विश्व पर्यावरण दिवस हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण की रक्षा करने तथा प्लास्टिक के उपयोग की गंभीरता का एहसास कराने तथा प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करने के लिए एक आह्वान है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये बात मंडी जिला के राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय सुंदरनगर में विश्व पर्यावरण दिवस 2018 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलिटेक्निकल सुंदरनगर में 1.50 करोड़ रुपए के अतिथि गृह तथा 5.58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मैकेनिक इंजीनियर खंड भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पृथ्वी की रक्षा के प्रति कुछ करने के लिए लोगों का दिन है। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस महज एक औपचारिक अवसर नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे कुछ न कुछ ठोस परिणाम सामने आने चाहिए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे में से एक है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण तथा स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के कारण एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य के 77.5% भौगोलिक क्षेत्र में वन है, लेकिन अभी भी प्रभावी पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी कुछ करने की आवश्यकता है। जयराम ठाकुर ने लोगों का आह्वान किया कि वे प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न कार्यक्रमों व नीतियों को लागू करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक ने हमारे जल स्रोतों को बुरी तरह से दूषित कर दिया है। इससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन को भी नुकसान पहुंचा है और मानव जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हो गया है, जो पर्यावरण संस्थाओं को इस वर्ष मुख्य चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश का एक पहला राज्य है जहां प्लास्टिक के बैगों पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को प्लास्टिक के बैग के स्थान पर जूट अथवा कागज के बने थैलों के प्रयोग के लिए प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिमला में पानी की समस्या, प्रदूषण तथा कैचमेंट क्षेत्र व शिमला को पेयजल आपूर्ति करने वाली नदियों को जल स्रोतों में पानी की कमी के कारण उत्पन्न हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की नर्सरियों में प्रदूषण को कम करने वाले पेड़ पौधे उगाए जाएंगे ताकि इन्हीं लोगों को पौधारोपण के लिए वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उद्योग विभाग को चिलारों का उचित प्रयोग करने के लिए इकाई स्थापित करने की परियोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वर्दी योजना के अंतर्गत प्लास्टिक की बोतलों के उपयोग को बंद करने के लिए चरणबद्ध ढंग से सरकारी स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी को स्टील की बोतल प्रदान की जाएगी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने वाले अभिभावकों से प्लास्टिक बोतलों के स्थान पर अपने बच्चों को स्टील की बोतलें खरीदने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में थर्मोकोल की प्लेटों तथा ग्लासों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, क्योंकि ये प्रदूषण के मुख्य कारणों में है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक सभाओं के दौरान 1 लीटर क्षमता से कम की पानी की प्लास्टिक बोतल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कचरे के वैज्ञानिक प्रबंध के लिए राज्य के विभिन्न भागों में 10 ठोस कचरा प्रबंधक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर तथा घुमारवीं शहरों के लिए पोलिथीन सेटर मशीन प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले शिक्षण संस्थानों के उत्कृष्ट इको क्लब को पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के इस अवसर पर हम यहाँ पर करते और सुंदरनगर को चुना और इस अवसर पर मैं सुंदरनगर वासियों को, सुंदरनगर के विधायक को, सुंदरनगर के नेतृत्व को, समस्त जनता को इस अवसर पर आपके पर्यावरण दिवस के अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। वहां आप सबसे भी इस बात के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज हम एकत्रित हैं और ये दिन सिर्फ एक दिन के लिए निर्धारित नहीं है कि 5 जून को ही हमने पर्यावरण के दिवस पर बात करनी है, पर्यावरण के बारे में बात करने के बाद काम करना है और उसके बाद हमारा काम आगे करने की आवश्यकता नहीं। ये मुझे लगता है कि अगर सही मायने में अगर पर्यावरण से संबंधित अगर हम चिंतित है तो मुझे लगता है कि आपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। भाई और बहनों, 750 बच्चों को आज ही वो बॉटल यहां पर उपलब्ध करा दी गई है और हिमाचल प्रदेश में फेस मैनर में इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसमें मैं कहूंगा सरकार की ओर से ये प्रयत्न होगा, लेकिन उसके साथ साथ में जो लोग गरीब हैं उनके लिए हमारी प्राथमिकता रहेगी, लेकिन उसके बावजूद जो लोग
अपने आप अफोर्ड कर सकते हैं उनसे मैं अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि वो स्वयं आज से ही इस बात को सुनिश्चित करें कि स्कूल में बच्चे जा रहे हैं पानी की बोतल लाजमी है, आवश्यक है, उस बोतल को प्लास्टिक की जगह से बदल करके वहां स्टेनलेस स्टील की बोतल जो है बच्चों के स्कूल के लिए दें। इस बात के लिए मैं निवेदन भी साथ में करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने एक और दिन है जो पॉलीथिन के प्रयोग पर जो वर्ष 2009 में जो प्रतिबंध लगाया पर्यावरण को ही हो रही हानि के मद्देनजर जो थर्मोकोल की जो हमारे पास जो गिलास, आज मैं इस बात के लिए आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में जो थर्मोकोल से बना हुआ गिलास और गिलास के साथ साथ में थर्मोकोल की जो प्लेट है इस पर पूर्ण प्रतिबंध की मैं यहां पर घोषणा करता हूं कि इसको बंद करने का